दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूँ तेरे इश्क में नाम की इस फिल्म के बारे में। टाइटल अभी अभी रिलीज़ हुआ है। ये फिल्म धनुष की अपकमिंग फिल्म है और अगर आपको नहीं पता तो बताना चाहूँगा, 10 साल पुरानी फिल्म रांझना का ये सीक्वल होने वाली है। अब जो आपको नज़र आया था कि किस तरीके से एक लड़का जो धनुष जिसका रोल प्ले कर रहे थे रांझना में, किस तरीके से अपनी लवर को छोड़ देता है, अब उसी कहानी को आगे बढ़ाने शंकर आएंगे और इसमें भी धनुष ही वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसमें वो फिर से अपना दिल दुखा बैठेंगे और किस तरीके से वो अपने प्यार का बदला लेंगे या अपने प्यार को पाएंगे, वो कहानी तेरे इश्क में इस नाम की फिल्म में हमें नज़र आने वाला है। टाइटल टीजर से ये सब आराम से पता चल जाता है। अब जहाँ कुंदन की बात है, कुंदन ने तो भले ही सीधा था, वो छोड़ दिया था सब कुछ, लेकिन अब शंकर है, शंकर को कैसे रोकोगे, ये डायलॉग यहाँ पे हमें नज़र आता है। तो ओवरऑल जो मुझे देखने को मिला यार, लिटरली यार धनुष का वो लुक, वो लंबे लंबे हेयर्स, वो बियर्ड का लुक, यार वो बंदा अलग ही लेवल का लगता है। वो एक वक्त पे 20 साल का भी लग सकता है, एक वक्त पे 50 साल का भी लग सकता है, एक ही टाइम पे, ये उनके अंदर टैलेंट है। तो लेट्स सी आनंद एल राय के डायरेक्शन में बन रही है जो फिल्म है तेरे इश्क में, ये किस तरीके से रांझना का रिकॉर्ड तोड़ती है। जो फिल्म के जो म्यूजिक कंपोजर है वो है AR रहमान, तो आप मान सकते हैं गाना भी टॉप नॉच होने वाला है, सॉन्ग्स में इमोशनली काफी अटैच करेंगे आपको। तो आपने ये टाइटल टीजर देखा कि नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।